हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। गाइज अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि सुबह का 7 बज चुका है। हम लोग रात में बहुत ही लेट से आए थे, 3 या 4 बजे आए थे, जिसकी वजह से हमें जगने में लेट हो गया, क्योंकि घर पे सुबह ही 5 बजे जग जाते हैं, 7 बज गया। तो गाइज फिलहाल अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर मंदिर जाना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। रुपये जो भी होगा दिखाएंगे आपको, वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो पटापट फ्रेश होते हैं और ब्रश करके चले चलते हैं। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, नहा धोवा कर, ब्रश करके, खाना पीना सब खाकर 12 से पार हो गया ना, 1 बजने वाला है। गाइस हम लोग मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि कोलकाता है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बारिश आ गया था कुछ देर पहले ही, खुला है। तो हम लोग अब जब तैयारी कर लिए थे और वीडियो बना ही लिए थे, तो अब चलते हैं। थोड़ा पार्क है, स्टेडियम है जो है वो कोलकाता में। तो आज दिन में जितना भी कवर होगा, जितना भी इस वीडियो में कवर हो सकता है दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक बना रहिएगा। अभी रूम पे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, निकलते हैं रूम से, फिर आपसे बाहर बात करते हैं, क्या रंजन? तो चलिए चलते हैं बिना समय लिए। आज हम लोग रूम से निकल चुके हैं और रूम से निकल कर हाईवे पर आ चुके हैं सीधा। और हम लोग का अभी कोई कन्फर्म नहीं है कहाँ जाएंगे, लेकिन स्टेडियम का बात चल रहा है, कोलकाता का स्टेडियम है। तो जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, जो भी होगा शानदार होगा। तो चलिए चलते हैं, कहीं पे गाड़ी उड़ी ऑटो तो देखते हैं, क्योंकि पैदल बहुत दूर पड़ जाएगा। तो देर बाद हमें बस मिला है, बस में बैठ चुके हैं। बार बार पास आता है, फिर भी मतलब वेट करने पड़ा 2 से 4 10 मिनट। बस में बैठे हैं, कितना देर में जाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन पहुँच जाएंगे बहुत जल्द। तो गाइस हम लोग बस से उतर चुके हैं और कुछ दूर पैदल ही जाने पड़ेगा। और ये कुछ हाईवे इस प्रकार का कोलकाता का, मैं पीछे का बस आपको दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं पीछे का बस। यहाँ पर रूल नियम फॉलो किया जाता है, सिग्नल मिलने पर गाड़ी क्रॉस करता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हाईवे है, सबसे बड़ा हाईवे यही है कोलकाता में। तो गाइस अभी कोलकाता के हाईवे पर बीचों बीच खड़ा है, यहाँ पे मतलब फोटो शूट करने के लिए जगह बनाया गया है, दिखाते हैं पीछे कैमरा से ये है। और मैं पहले देख लीजिए जाएगा कैमरा, उसके बाद दिखाते हैं पीछे कैमरा से। आपको बता दें कि यहाँ से स्टेडियम नजदीक है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यही स्टेडियम है। यहीं से लोग बैठ के मुकाबला देखते हैं। तो चलिए अंदर चलेंगे, देखेंगे आपको दिखाएंगे भी। तो गाइस हम लोग घूरते घूरते आ गए हैं स्टेडियम के पास, लेकिन हम लोग वीडियो बनाने से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोकेशन है और यहाँ का ट्रैफिक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए हम लोग करीब आधे घंटे तक फोटो शूट वहाँ पर किए हैं। फ़ोन भी चार्ज नहीं है फिर भी, और स्टेडियम के पास पहुँच चुके हैं। ठीक है सब, देखिएगा दिखाते हैं। तो गाइस यही है कोलकाता का स्टेडियम, और इस पे कोलकाता लिखा हुआ भी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पे फोटो काफ़ी ज़्यादा शूट कर रहे हैं लोग, हम लोग भी करेंगे, क्योंकि हम लोग भी तो फोटो का दीवाना है। और कुछ इस प्रकार का कोलकाता का स्टेडियम का नज़ारा है पीछे की ओर से, शायद अंदर तो नहीं जा सकते हैं ना। तो गाइस ये है कोलकाता। तो गाइस पीछे जो लोकेशन देखे कोलकाता लिखा हुआ, उस पर फोटो क्लिक करा रहे थे, और हम लोग भी लमसम 1 घंटा क्लिक करवाए, 1 घंटा। ये है ना मुकुल मतलब सेल्फी कहते हैं या फोटो की, बहुत दीवाना है फोटो का। लमसम इसका फोटो होगा 50 फोटो, कहा रंजन 50 और हम लोग भी मतलब 10-20 होगा ही जरूर। तो फोटो में ज़्यादा समय बीत रहा है कोलकाता में, खास और स्टेडियम का मतलब दरवाजे पर जा रहे हैं, दरवाजे का लुक आपको दिखाएंगे, एक हाथ दो फोटो सटा हुआ फोटो दिखाएंगे। गेट नंबर 4 है यहाँ पे। फाइनली स्टेडियम का प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं, और पीछे आप देख पा रहे हैं फोटो, सचिन तेंदुलकर सर का फोटो है, और पीछे दिखाते हैं, आप पीछे का भी दिखाते हैं। तो गाइस ये है फोटो शूट किया हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का भी फोटो है, सचिन तेंदुलकर का फोटो है, और ऐसा है कुछ इस प्रकार का है। इधर दादाजी सौरभ गांगुली जी का है।
गाइस पूरी तरह से स्टेडियम का दर्शन कर लिए, आपको भी दर्शन करा दिए, कोलकाता का स्टेडियम है। तो गाइस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस अंदर तो नहीं गए, बाहर से ही लोकेशन दिखाएं, जो भी दिखाएं अच्छा लगा। तो गाइस फ़ोन चार्ज नहीं है, जा रहे हैं रूम पे शायद, अब क्या दिखाएंगे, अगर बीच में होगा तो वीडियो शुरुआत करेंगे, नहीं तो फिर जाएंगे सीधा रूम पे, शाम को निकलना है फिर से पंडाल देखने के लिए। चले चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय कोलकाता।